अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आज आ गई हूँ और एक न्यू रेसिपी लेके। और आज हम लोग बनाना सीखेंगे लौकी का हलवा। लौकी के हलवे के लिए मैंने 150 ग्राम के जितना मेवा ले लिया है, और इस मेवे में थोड़ा सा हम लोग गरम मिल्क ऐड करेंगे और मेवा को रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड पे, भिगो के रख देंगे। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया, इसमें मैंने किशमिश, काजू और आलमंड लिया और उसको फ्राई कर लिया है। और फिर देखिए मैंने लौकी को छील के धो के क्रश कर लिया है और एक बोल में ले लिया है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रेसिपी। और फिर मैंने कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में मैं सोयाबीन तेल ऐड कर रही हूँ। और मेरा कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायच। मैंने 4 इलायच को थोड़ा पीस के तेल में ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे क्रश किए हुए लौकी। लौकी को डालने के बाद हम लौकी को अच्छे से भुनेंगे। हम लोगों को धीरे धीरे भूनते रहना है। अगर पानी लौकी से निकले तो हम लोग को फ्लेम थोड़ा ज़्यादा कर देना है, ताकि लौकी का जो पानी अगर निकले तो वो पानी सोख जाए। तो हम लोग को फ्लेम ज़्यादा कर देना है और फिर हम लोग को भूनते रहना है। देखिए मैं भून रही हूँ, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता रहेगा। देखिए धीरे धीरे हल्का, मतलब देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है और धीरे धीरे हलवा भी कम होता आ रहा है। एक्चुअली ये जो हलवा होते हैं ना, ये भुनने, जितना हम अच्छे से भुनेंगे और उसका जो पर्सनल सेंट है वो जब चला जाएगा तो बहुत यम्मी बनता है। आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी, बहुत अच्छा बनता है ये हलवा। और जब ये अच्छे से भूनना हो जाएगा तब हम जाके आगे के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। पहले मैं 1 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। और फिर मैंने बाद में और 1 चम्मच ऐड किया है। और अब हम इसको फिर से दोबारा से भूनना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका कैसे कलर और भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, जो मैंने पहले ही अच्छे से बॉईल कर लिया था मिल्क को। मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है इसमें। और फिर हमें और फ्लेम को ज़्यादा कर देना है और जो मिल्क है उसको टानना है, मतलब सोक करना है। और फिर हलवा को पहले जैसा एकदम से सूखा बनाना है। और जब तक हम इस मिल्क को टानेंगे, मतलब सोक कराएंगे, तब तक हम लोगों को भूनते रहना है, छोड़ नहीं देना है, नहीं तो हम लोगों का हलवा लग जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। देख पा रहे हैं मेरा मिल्क पूरा टान लिया है, तो अभी हम इसमें शुगर ऐड करें। मैंने पहले 1 चम्मच और बाद में 1/2 चम्मच दिया है, बड़ा वाला चम्मच से। और फिर बाद में मैं और 1 चम्मच डाल रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मीठा कम हो जाएगा। और हलवा तो जानते ही हैं, मीठा कम होने से उतना अच्छा नहीं लगेगा। और आप चाहे तो इसमें आप शुगर फ्री देके भी बना सकते हैं ये हलवा। और शुगर डालने के बाद फिर हम लोगों को भूनते रहना है।
एक्चुअली बाद में मुझे लग रहा था कि और थोड़ा शुगर कम हो जाएगा, फिर मैंने और थोड़ा डाला। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसलिए मैंने बाद में और एक चम्मच डाला। अब फिर मैं और भी चार इलायच लिया और उसको अच्छे से पीस लिया और पीस के फिर मैं डाल रही हूँ ताकि और भी अच्छा इलायच का जो एक का होता है ना सेंट वो आए, क्योंकि मुझे पर्सनली इलायच बहुत पसंद है। और वो जो मैंने मेवा को मिल्क के साथ भिगो के रखा था अब मैं उसको ऐड कर रही हूँ, और उसको ऐड करने के बाद भी मुझे भूनते रहना है, मतलब आप लोग जब बनाएंगे आप लोगों को भूनना है उसको डालने के बाद भी। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नारियल पाउडर, आपके पास अगर नारियल पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप नारियल को क्रश करके भी डाल सकते हैं, और अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये ऑप्शनल है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हम लोगों का जो हलवा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को व्यू कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और अपने घर पे ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी और बताइएगा कैसा बना है। मेरा हलवा एकदम से रेडी हो गया है और बहुत यम्मी बना था, आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बनता है, आप एकदम से मतलब ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत यम्मी बनता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। देखिए मेरा यम्मी सा हलवा बन गया है, खुदा हाफिज़, बाय बाय फ्रेंड्स।